अरावली की गोद में बसा है राजस्थान का एक छोटा और सुंदर सा शहर अलवर, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए खूब प्रसिद्ध है। दिल्ली से सिर्फ 150 किलोमीटर दूर ये शहर अपने सुंदर किलों, झीलों, विरासत की हवेलियों और प्राकृतिक खूबसूरती के लिए जाना जाता है। तो अगर आप दिल्ली के आसपास रहते हो और पास में ही कोई अच्छी जगह जाना चाहते हो तो एक छोटी सी दो दिन की ट्रिप के लिए अलवर एक बढ़िया जगह है घूमने के लिए। 3 से 4 घंटे लगेंगे बस, टैक्सी या फिर खुद की गाड़ी से। वैसे तो यहाँ छोटी बड़ी काफ़ी सारी जगह है घूमने के लिए, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको अलवर की 4 से 5 कुछ खास खास जगहों पर लेकर चलूँगा जो आप आराम से 2 दिन में कवर कर सकते हो। देखो, अलवर घूमने का सही टाइम है मॉनसून में, जब गर्मी कम होती है, यहाँ बारिश हो रही होती है। यहाँ अरावली के पहाड़ हैं चारों तरफ, इसलिए ग्रीनरी भी काफ़ी होती है इस टाइम पे। तो मॉनसून के टाइम पे यहाँ आने का एक अलग मज़ा है। मैं भी यहाँ जुलाई के महीने में ही आया था। अब मैं यहाँ शाम के समय पहुँचा था, इसलिए उस दिन कहीं घूमने के लिए ज़्यादा टाइम बचा नहीं था। तो अपने कुछ दोस्तों के साथ, जो अलवर से ही हैं, मोती डोंगरी नाम की एक जगह है जो सिटी के बीच ही है, हिल टॉप पे है, ज़्यादा दूर नहीं है, मैं वहाँ चला जाता हूँ। ये लोकेशन बढ़िया है, हिल टॉप पे है इसलिए ठंडी हवा चल रही है और ऊपर से शहर भी दिखता है। शहर के लोग आपको यहाँ इवनिंग वॉक या फिर मॉर्निंग वॉक करते दिख जाएंगे। यहाँ पे एक मंदिर है और उसके बिल्कुल साथ में ही सैयद दरबार है। अब देखो, शाम हो गई थी और बारिश भी हो रही थी, इसलिए इस जगह पे ज़्यादा देर रुक नहीं पाया, लेकिन जितनी देर भी रुके अच्छा लगा, लोकेशन अच्छी थी, वाइब अच्छी थी। राजस्थान का खान पान पूरे भारत में मशहूर है और अलवर का कलाकंद तो वर्ल्ड फेमस है, लेकिन यहाँ और भी कई स्ट्रीट फूड हैं जो बेहद ही लजीज हैं, और उनमें से ही एक यूनिक कॉम्बिनेशन का स्ट्रीट फूड है कढ़ी कचौड़ी। जी हाँ, आपने ठीक सुना, कचौड़ी, वो भी कढ़ी के साथ। अब बाहर वालों को ये फूड कॉम्बिनेशन थोड़ा अटपटा सा लग सकता है, लेकिन कढ़ी कचौड़ी अलवर का एक बहुत ही पसंदीदा ब्रेकफास्ट है जो यहाँ के लोग बड़े ही शौक से खाते हैं। तो मैंने भी जल्दी सुबह कढ़ी कचौड़ी का नाश्ता किया और निकल गया अपने पहले डेस्टिनेशन की तरफ, जो है बाला किला, जिसे अलवर का किला भी कहते हैं। ये किला मेन सिटी में ही है, बस यहाँ जाने के लिए गाड़ी चाहिए या फिर यहाँ जीप सफारी भी होती है, तो एक वो ऑप्शन भी आप ले सकते हो। पर पर्सन एंट्री टिकट है 10 रुपये और गाड़ी के चार्जेस हैं 50 रुपये, और अगर जीप सफारी से जाना चाहते हो फिर उसके 2000 रुपये लगेंगे। ले ली टिकट? हाँ, टिकट ले ली। कितने की है? पर पर्सन 10 रुपये और 50 रुपीज़ कार के। चलें फिर, चलो आ जाओ। एंट्री पॉइंट से, यानी जहाँ से हमने टिकट ली है, वहाँ से किले तक की दूरी है 7 से 8 किलोमीटर, और इस रास्ते में आपको अरावली के पहाड़ और बढ़िया नज़ारे देखने को मिलेंगे। किले के रास्ते में 2 प्राचीन मंदिर भी हैं, करणी माता मंदिर और श्री चक्रधारी हनुमान जी का मंदिर, जिनकी बहुत मान्यता है, तो आप इन मंदिरों में भी दर्शन कर सकते हैं। अच्छा, एक छोटी सी एडवाइस भी है कि ये पूरा फॉरेस्ट एरिया है और यहाँ जंगली जानवर भी बहुत हैं, और जंगली जानवर से मेरा मतलब बाघ और लेपर्ड से है। तो इस रास्ते पे गाड़ी से ज़्यादा बाहर ना निकलें, पैदल ना चलें। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के स्टाफ भी यहाँ राउंड लगाते रहते हैं कि लोग ऐसा ना करें, इसलिए डायरेक्ट आप बाला किला तक जाओ और बढ़िया घूम के वापस आ जाओ। तो दोस्तों, बाला किला में मेरी एंट्री हो गई है और इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ा हूँ वहाँ से बहुत ही क्रेजी व्यू मिल रहा है, पूरा अलवर शहर दिख रहा है। रुको, दिखाता हूँ। अरावली की पहाड़ी की टॉप पे बना है ये बाला किला, तो पूरी वैली दिख रही है, सही लग रहा है, यहाँ पे आना वर्थ है। किला काफी बड़ा है, आराम से 2 घंटे लग जाएंगे इसको पूरा घूमने में। इसके निर्माण के पीछे भी अलग अलग स्टोरीज हैं और यहाँ का आर्किटेक्चर भी बहुत सुंदर है। तो अब मैं आ गया हूँ आज की अपनी दूसरी लोकेशन पे, जिसका नाम है मूसी महारानी जी की छतरी।
ये एक ऐतिहासिक स्मारक है जो बहुत ही प्यारी लोकेशन पे बना है। यहाँ चारों तरफ रावली के पहाड़ हैं और सामने एक झील भी है जिसका नाम है सागर झील। तो इस ऐतिहासिक स्मारक को महाराजा बख्तावर सिंह और उनकी रानी मूसी की याद में उस समय के राजा विनय सिंह ने बनवाया था। यहाँ का आर्किटेक्चर बहुत सुंदर है और इसकी डिटेलिंग देखकर आपको ऐसा लगेगा कि कोई इतनी सुंदर चीज कैसे बना सकता है। अलवर का ये एक मुख्य पर्यटन स्थल होने के साथ साथ शहरवासियों की आस्था का केंद्र भी है। स्मारक के ऊपरी भाग में राजा और रानी के पदचिन्ह बने हैं और मान्यता है कि इनको पानी से धोकर अगर उस पानी को शरीर पर छिड़का जाए तो उससे बुरी नज़र और बीमारियां दूर होती हैं। देखो यार, एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप ऐसी कोई भी हिस्टोरिकल जगह पे जाते हो तो वहाँ की दीवारों पे कुछ लिख कर अपनी कलाकारी नहीं दिखानी है। वैसे इस जगह के बिल्कुल साथ में ही अलवर म्यूजियम और सिटी पैलेस भी है, तो आप चाहो तो वहाँ भी जा सकते हो। तो दोस्तों, अब टाइम था आज के दिन की आखिरी लोकेशन पे जाने का, जो मेन सिटी से लगभग 18 से 20 किलोमीटर दूर तो है लेकिन बहुत सुंदर है। ये है सिलिसेड लेक। अब या तो यहां जल्दी सुबह आ जाओ या फिर शाम के टाइम पे, नेचर के बीच काफी पीसफुल लोकेशन है। अच्छा, एक बात बता दूं कि इस झील में बहुत सारे मगरमच्छ भी रहते हैं। वैसे यहाँ खूबसूरत नज़ारों की कमी तो नहीं है और सुकून भी मिल जाएगा अगर भीड़ ज्यादा ना मिले, वरना कुछ ऐसा सीन भी देखने को मिल सकता है। लेकिन फन तो है। अलवर में बहुत सारी लोकेशन पे बॉलीवुड की आइकॉनिक मूवी करण अर्जुन की शूटिंग भी हुई है और उनमें से एक लोकेशन ये सिलिसेड लेक भी है। वैसे अलवर में और भी छोटी बड़ी बहुत सारी जगह है जहां आप घूम सकते हो और उनमें से ही एक बहुत फेमस जगह है सारिस्का टाइगर रिजर्व, जो मेन सिटी से लगभग 40 किलोमीटर दूर है। तो अगर एक एक्स्ट्रा दिन हो फिर वहां भी जा सकते हो। टाइमिंग्स एक बार कंफर्म कर लेना क्योंकि 3:30 बजे तक ही वहां पे एंट्री अलाउड होती है। तो ये था मेरा अलवर का सफर। अगर वीडियो पसंद आई हो और वीडियो यहाँ तक देख ली है तो एक लाइक और एक कमेंट कर देना, अच्छा लगेगा। बाकी मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।